नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है रक्षाबंधन के बाद राखी कब खोलने और राखी को खोलने के बाद क्या करें। जिस तरह राखी बांधने के लिए राहु काल और बद्रा के समय से बचना जरूरी होता है, तो ठीक उसी प्रकार राखी को शुभ समय पर ही खोलना सर्वोत्तम होता है। राखी को कम से कम 21 दिन जरूर बांधें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी कारणवश आप 21 दिन नहीं राखी बांध सकते, तो आप जन्माष्टमी तक राखी को जरूर बांधें। अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर कहीं साफ मिट्टी खोद कर दबा देना चाहिए। राखी को तीसरे दिन, बारहवें दिन या तेरहवें दिन राखी को ना खोलें। राखी को शाम के समय सूर्य अस्त पर भी ना खोलें। राखी आप सुबह स्नान करने के बाद आप खोल सकते हैं। राखी को आप कैंची से, चाकू से ना काटें। राखी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में ही खोलें। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा नवमी के दिन राखी खोलने का सबसे उत्तम दिन बताया गया है। उसी दिन गोगा जी को राखी खोलकर अर्पित करते हैं और हाथ जोड़कर उनसे अपनी तरक्की व सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आप चाहें तो राखी को खोलकर किसी पूजनीय पेड़ जैसे पीपल, बरगद, आंवला, इन पर भी बांध सकते हैं। इनसे भी दैवी कृपा आपको मिलती है। आप चाहें तो गौशाला में जाकर जहां गाय बांधी जाती है, वहां पर जाकर गाय के खूंटे पर भी बांध सकती हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने मात्र से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। राखी को आप खोलकर इधर उधर ना फेंकें, ना ही आप कचरे के डिब्बे में फेंकें। राखी को आप सही जगह पर ही रखें, या फिर आप जहाँ पर बहन भाइयों के खिलौने रखे होते हैं, जहाँ पर बहन भाइयों की चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ पर इसे लाल कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं। जब अगली राखी आएगी तब इसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह आप राखी को खोलें और सही जगह पर इन्हें रखें।